मेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण की एक बेहतरीन मिसाल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के थाना करोल बाग इलाके से मिलने जा रही है जिसकी शुरुआत आज ही की गई है और ये जो नाम दिया गया है प्रशक्ति जो अपने आप में ही उस शक्ति को लिए हुए है उस नारी शक्ति को लिए हुए है जिसके ऊपर खासतौर से दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का इस वक्त सबसे ज़्यादा एम्फेसिस है महिलाओं को आगे करना उनको मौका देना और ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इस बार पूरी राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो छः महिला डी हैं जिनको अब कप्तान बनाया गया है जिले सौंपे गए हैं और उन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है उन ज़िलों को उन थानों को संभालना दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर से आप सभी वाकिफ़ हैं ऐसे में मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की जहां पिंक बूथ बनाया गया है मोटरसाइकिल्स और स्कूटीज जो दी जा रही हैं महिलाओं को वो भी उस पर पेट्रोल करते हुए दिन और रात नजर आएंगी आपकी गलियों में आपके मोहल्ले चौक चौराहों पर घूमते दिखाई देंगी और अब ख़बरदार हो जाएं वो लोग खासतौर से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले उनका उत्पीड़न करने की सोच भी रखने वाले नहीं बख्शे जाएंगे मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की डी श्वेता चौहान मौजूद हैं उन्हीं से पूछता हूँ ये क्या है पूरा प्रोग्राम और आगे का क्या उनका प्लानिंग है मैडम आज एक बहुत अच्छी शुरुआत की गई है आप लोगों की तरफ से और वुमेन एम्पावरमेंट का उसमें पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो जितना जोश देखने वालों को उससे ज़्यादा उसका उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं और उन महिलाओं जिनको ज़िम्मेदारी दी जा रही है क्या कहना है उसका और दूसरा कि ये पूरी स्कीम है क्या ये मैंने एक अपने ज़िले में प्रशक्ति प्रशक्ति नाम से ये प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें ये हमारी कोशिश है कि जो महिला पुलिसकर्मी है वो सामने आकर फोर फ्रंट पर आकर जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग के काम हैं जो बाकी मेल कर्मी पुलिसकर्मी हमेशा से करते रहे हैं वो महिलाएं भी उसी तरह से काम करें और अपनी प्रतिभा का भरपूर उसका लाभ उठाएं और पब्लिक को भी एक तरह से कॉन्फिडेंस दें पब्लिक में जो महिलाएं हैं जो बच्चियां हैं उनको भी कॉन्फिडेंस दें उनके रोल मॉडल का काम करें और लोगों के अंदर पुलिस के लेके विश्वास बढ़ाएँ ये हमने जो प्रोग्राम प्रशक्ति है तो ये जैसे महिलाओं के अंदर जो छुपी हुई शक्ति है जो सारे संसार को भी चलाने वाली जो शक्ति है उसी का आह्वान करके हमने इसका नाम प्रशक्ति रखा है तो इसमें हमने हर पुलिस स्टेशन में जो भी महिला पुलिसकर्मी हैं उनको डायरेक्टली बीट में लगाया है सेंट्रल जिले में ये हमने पहली बार किया है कि हर पुलिस स्टेशन में एक प्रशक्ति बीट हमने डेजिग्नेट कर दी है जिसमें कि पुलिस की लड़कियाँ महिलाएँ वहाँ पर बीट की ड्यूटीज़ करेंगी यानी कि उस एरिया से रिलेटेड जो भी क्राइम होगा जो भी क्राइम प्रिवेंशन होगा जो भी क्रिमिनल्स का वेरिफिकेशन होगा अलग तरह के भी काम है कंप्लेंट्स का रिड्रेसल है वो सभी करेंगी पेट्रोलिंग करेंगी उसी तरह से काम करेंगी जैसे कि मेल पुलिसकर्मी करते हैं उसके अलावा हमने अपने डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे ज़्यादा बहादुर लड़कियाँ जो बाइक पे चलती हैं जो मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे चलती हैं उनका एक स्क्वाड बनाया है इसका नाम वीरा स्क्वाड रखा है इसमें आज की डेट में छः स्कूटीज़ हैं जिसमें ये लोग बड़ी पैर में पेट्रोलिंग करती हैं उसके अलावा तीन मोटरसाइकिल हैं जो दो मोटरसाइकिल्स हैं पर तीन लड़कियां जो इच्छुक हैं तो शायद कुछ और भी जोड़नी पड़ सकती हैं उसमें और एक पुलिस की पीसीआर वैन है जो कि महिला ही चलाएंगी, और उसको आ, महिलाओं की सुरक्षा में या उस एरियाज़ में जहाँ पर महिलाएँ ज़्यादा जाती आती हैं या रेजिडेंशल एरियाज़ हैं वहाँ पेट्रोलिंग में यूज़ किया जाएगा आज का जो बड़ा इनिशिएटिव और जो सबसे नया था वो था कि महिलाओं के लिए एक बूथ जो महिलाएं ही चलाएं पुलिस का बूथ और उसको महिलाओं को दिल्ली की महिलाओं को ही मैंने समर्पित किया है महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए जो कलर हमेशा सिंबलाइज़ किया जाता है पिंक इसलिए हमने पिंक को इसमें यूज़ किया है तो पिंक कलर का एक बूथ जो दूर से ही नज़र आ जाए और अगर किसी भी, भी महिला को या लड़की को, को कोई कंप्लेंट है या कोई परेशानी है तो उसका निवारण करने के लिए ये लड़कियां हमेशा तत्पर रहेंगी और आपको उस पुलिस बूथ में मिलेंगी जो बीट में स्टाफ है वो 24 फोर इंटू ही काम करता है बाकी ड्यूटीज़ का एलोकेशन शिफ्ट के हिसाब से किया जाता है तो उनकी सहूलियत तो और उसके हिसाब से काम किया जाएगा अभी तो आठ बजे तक मैंने इनकी ड्यूटीज़ लगाई हैं लेकिन अगर लड़कियाँ इच्छुक रहें और कॉन्फिडेंट रही तो आगे रात को भी वो ड्यूटीज़ अपनी करेंगी अच्छा एक चीज़ मैं आपसे और भी जानना चाहूँगा ख़ास तौर से जो लड़की है जो जिनके बच्चे हैं उन महिलाओं के लिए जो पुलिस में भर्ती हैं और आप भी खुद एक महिला आप भी माँ हैं किस तरह का इस वक्त सिचुएशन और कैसे टैकल और चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं देखिए महिलाओं के लिए तो चैलेंजेस हमेशा से ही रहते हैं क्योंकि कहा जाए तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो कहीं पे भी आप पढ़ने भी जाती हैं या आप कॉलेज में एडमिशन लेती हैं या कोचिंग क्लास में जाती हैं तो हर तरह के छोटे मोटे चैलेंजेस आपको झेलना ही पड़ता है और उससे ही आपको वो आपको शक्ति भी देता है और आगे बढ़ने के लिए आपको हौसला भी देता है लेकिन उसमें आ, कई तरह के एडजस्टमेंट्स हैं और कई बार बड़े डिसीजनस भी लेने पड़ते हैं तो जो आपने कहा कि ये तो रहेगा ही हमेशा और उसके लिए मैं ये कहूँगी कि जो परिवार हैं उनको भी अपनी महिलाओं को सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो अपने सपने पूरे कर सकें तो जैसे एक पुरुष के पीछे हम कहते हैं कि एक महिला का हाथ होता है तो वैसे महिलाएं भी तभी आगे आएंगी जब उनके हस्बैंड्स, उनके बेटे उनके फादर्स वो भी आगे बढ़ें और उनको काम करने के लिए सपोर्ट करें अपनी तरफ से उनको इमोशनल भी सपोर्ट करें और ये जो गिल्ट होता है बार बार कि आप घर नहीं संभाल पा रही हैं या ये काम नहीं कर पा रही हैं या कौन बच्चों को कौन देखेगा उससे भी थोड़ा निकलना होगा और बाकी रहा सुविधाएँ देने का सवाल तो उसके बारे में भी समय समय पर सोचा जाएगा जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी को लेकर हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं और आप अगर बाहर निकल के देखेंगे तो चपे चपे पर पुलिस है हर जगह अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं लोगों को जागरूक किया जा रहा है दो तरह के अनाउंसमेंट्स होती हैं कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध सामान जो है उसकी सूचना तुरंत दें तो जो भी चीज़ जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ चौकरने होने की ज़रूरत है पुलिस भी लगातार वेरिफिकेशन करती है लगातार चेक करती है कोई भी नया अगर आपके पास कोई कर्मचारी है कोई नया किराएदार है तो उसको बिना वेरीफिकेशन के ना दें ना रखें हम लोग साइबर कैफ़ेज़ पे भी नज़र रखते हैं हम लोग सिम कार्ड से भी नज़र रखते हैं उनको टाइम टाइम पे वेरीफ़ाई करते हैं तो इस तरीके से एक मज़बूत इंतज़ाम मार्केट्स में लगाया गया है मचान और मोर्चे भी खड़े किए गए हैं जहाँ से कि अगर भी कोई संदिग्ध एक्टिविटी हो तो उसको तुरंत न्यूट्रलाइज किया जा सके और लोगों का जो हम मैंने पहले कहा कि साथ हमेशा चाहिए होता है तो जो पब्लिक है अगर वो भी पुलिस के साथ देगी तो हम इस अपनी जो हमारी जिम्मेदारी है उसको और अच्छी तरह से कर पाएंगे और जो एक सबसे बड़ी बात आज के समय पे है कि जब भी बाहर निकले तो मास्क ज़रूर पहने कुल चेकिंग की जा रही है और हमने चेकिंग जो है उसको आगे बढ़ा के रात के वक्त भी हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं एरिया डोमिनेंस की एक्सरसाइजेज हो रही हैं और जैसे जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जैसे कि जामा मस्जिद का इलाका हो गया दरियागंज का इलाका हो गया यहाँ पे पुलिस के हमारे अधिकारी और कर्मचारी पैदल फुट पेट्रोलिंग करते हैं ग्रुप्स में निकलते हैं पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए और साथ साथ एरिया के अंदर जो बदमाश है उनको डोमिनेट करने के लिए जैसे कि हमारे माननीय कमिश्नर साहब ने छः जिलों में डीसीपी महिलाओं को लगाकर एक बड़ा फैसला किया है और हमें एक उत्तरदायित्व दिया है तो हमारा भी कर्तव्य है कि उसी काम को आगे बढ़ाना है तो उसी के लिए हमने ये पिंक बूथ की शुरुआत की है जिसको कि महिला पुलिसकर्मी ही चलाएंगी वहाँ पे वो लोग कंप्लेंट्स रिड्रेसल करेंगी और मुझे लगता है कि एरिया की जो आ, महिलाएं हैं उनको भी इससे कॉन्फिडेंट मिल कॉन्फिडेंस मिलेगा और अपनी कंप्लेंट्स लेके अपनी शिकायतें लेके या अपनी परेशानियाँ या कानून के बारे में कोई एडवाइस वो लेने के लिए वो उस बूथ में जा सकेंगी क्योंकि महिलाएं वहाँ रहेंगी एक रेजिडेंशियल एरिया है आसपास कुछ छोटा मार्केट भी है तो उससे लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा और लड़कियाँ अगर हमारे पुलिसकर्मी अच्छा काम करेंगी तो ये सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल भी बनेंगी सेंट्रल ज़िला ये पहला ऐसा ज़िला है बल्कि दिल्ली का ये पहला एक पिंक बूथ होगा जिसको हमने शुरुआत की है ये आ, एक, ये जो हमने आज शुरुआत की है हम चाहते हैं कि इसको हम और भी पुलिस स्टेशन में रेप्लीकेट करें और आगे जाके सारी दिल्ली में इस तरह के पुलिस पिंक पुलिस बूथ बने जो कि महिलाओं के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्वेता चौहान अपनी बात को अपने वक्तव्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू तो आप सुन रहे थे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी श्वेता चौहान को और जैसे उन्होंने कहा कि महिलाओं को सिंबलाइज किया जाता है या उनको दी जाती है उस पिंक कलर से जिस पिंक बूथ की शुरुआत पहली बार पूरी दिल्ली में यहीं से हुई है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के थाना करोल बाग के इलाके से अब इस तरह से बाकी और भी इलाकों में और भी थानों को महिलाओं के सशक्तिकरण को देखते हुए उनको और ज्यादा मजबूत करने के लिए जोड़ा जाएगा वो महिलाएँ जो अब इस चीज़ को सोच करके कि हमारे साथ सुनवाई नहीं होती मर्द पुलिस वाले होते हैं हम अपनी समस्याएं अपनी परेशानी और बहुत सी वो बातें जो सिर्फ़ महिला महिलाएं को बता सकती है नहीं बता पाते थे अब वो बात नहीं होगी कुल मिलाकर के एक अच्छी शुरुआत है राजधानी दिल्ली में और एक ये भी चीज़ देखी जाएगी कि देश की सबसे नंबर वन कहलाने वाली स्मार्ट पुलिस दिल्ली पुलिस का ये इनिशिएटिव आगे और भी कुछ राज्य हैं जहाँ से हमको ज़रूर इस चीज़ की उम्मीद है कि वो भी इनके इस इनिशिएटिव को हाथों हाथ लेंगे आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े आपका बहुत शुक्रिया हिंदुस्तान लाइव फरहान या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए थैंक यू फॉर नाउ जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि सुरक्षित रहिए सचेत रहिए